आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है लव इमोशन, या जिसे हम प्यार संवेग कहते हैं। वैसे तो सभी संवेग इम्पॉर्टेंट हैं, सभी का अपना रोल है, लेकिन जो प्यार संवेग है, जो लव इमोशन है, उसका हमारी लाइफ में एक अलग स्थान होता है, तो इसलिए उसके बारे में जानना आवश्यक है। और यहाँ पर हम लव इमोशन को स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। स्टर्नबर्ग, जिनसे आप पहले से भी परिचित हैं, इन्होंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी दी थी। अब वह थ्योरी क्या थी, यह आपके लिए क्वेश्चन है। आप बताएंगे हमें कमेंट के माध्यम से कि स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है लव इमोशन के ऊपर। स्टर्नबर्ग ने लव इमोशन को समझाने के लिए एक ट्रायंगुलर थ्योरी दिया, जिसमें इन्होंने प्यार के तीन तत्व या तीन एलिमेंट बताए, जो कि है इंटिमेसी, जिसे हम घनिष्ठता कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम किसी पर्सन के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो उस पर्सन से हमारा जो लगाव होता है वह काफ़ी बढ़ जाता है, और इसी लगाव को हम इंटिमेसी या घनिष्ठता कहते हैं। क्योंकि आप लंबे समय तक साथ में रह रहे हैं तो उससे घनिष्ठता बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, भावावेश, या जिसे हम पैशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ नई पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई नया सब्जेक्ट है आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में एक अंदर से जोश रहता है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में एक अंदर से काफ़ी ज़्यादा जोश रहता है, एक पैशन रहता है कि हाँ मुझे तो करना है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे वो जोश, वो जो पैशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो ठंडा हो जाता है। बट अगर हमें एग्ज़ाम को निकालना है, अगर हमें क्वालिफाई करना है, तो हमें हमारा जोश बनाए रखना होता है, हमें जो पैशन है उसको बनाए रखना होता है, तब तक जब तक कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर लें। इसी तरीके से रिलेशन में भी वही चीज़ होता है कि जो एक्साइटमेंट है, जो पैशन है, वह स्टार्टिंग में तो रिलेशन में रहता है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो पैशन कम होने लगता है। तो पैशन क्या हो गया यहाँ पर, पैशन का मतलब हुआ एक भाव, एक एक्साइटमेंट, एक जोश की स्थिति, जो एक रिलेशन में होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक के लिए एक हैप्पी रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं। थर्ड है वचनबद्धता या कमिटमेंट। वचनबद्धता को आप सभी समझ रहे होंगे, कमिटमेंट को, कि आप किसी रिलेशन में आए हैं, जब भी हम किसी रिलेशन में आते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं कि हाँ मैं आपका साथ दूंगा, आप हमारा साथ देंगे, इसी को कमिटमेंट कहते हैं। बट केवल कमिटमेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है रिलेशन के लिए, कमिटमेंट के साथ साथ वहाँ पर पैशन और इंटिमेसी होना अनिवार्य है। तो आइए अब हम देखते हैं इन तीनों के आधार पर स्टर्नबर्ग ने जो लव के 7 टाइप्स बताए हैं वह क्या हैं। यहाँ पर पहला टाइप है लाइकिंग, या जिसे हम पसंदगी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पसंदगी को भी, लाइकिंग को भी प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन स्टर्नबर्ग यहाँ पर बताते हैं कि अगर रिलेशन में सिर्फ इंटिमेसी है, सिर्फ घनिष्ठता है, और वहाँ पर ना ही पैशन है ना ही कमिटमेंट है, तो इसे हम प्यार नहीं कह सकते हैं, यह सिर्फ पसंदगी है या सिर्फ लाइकिंग है, या आप लाइक करते हैं एक दूसरे को। सेकेंड है प्रेम उन्मादी प्यार, इन्फैटुएटेड लव, या वह प्यार है जिसे आप कहते हैं कि पहली नज़र का प्यार, किसी को पहली बार में देखा और देखते ही प्यार हो गया। यह प्यार अचानक होता है और कुछ समय बाद अचानक ही गायब हो जाता है, क्योंकि इस प्यार में सिर्फ पैशन होता है। जिस प्यार की हम बात कर रहे हैं, इन्फैटुएटेड लव या प्रेम उन्मादी प्यार, इसमें सिर्फ पैशन होता है, और जिसकी वजह से इसका अनुभव अचानक होता है और कुछ समय बाद यह प्यार अपने आप ही रिलेशनशिप में से गायब हो जाता है। थर्ड, इम्पिटी लव, रिक्त प्यार, मतलब प्यार नहीं है, बस खालीपन है वहाँ पर। स्टर्नबर्ग बताते हैं यहाँ पर कि प्यार में सिर्फ कमिटमेंट होता है, दो पर्सन हैं और वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो गए हैं, लेकिन ना ही उनमें इंटिमेसी है और ना ही उनमें पैशन है, दो पर्सन हैं और वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड है, एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह प्यार केवल कमिटमेंट बन के रह जाता है जब उसमें से पैशन और इंटिमेसी समाप्त हो जाते हैं,
जब तक पैशन और इंटीमेसी दोनों रहते हैं तब तक यह प्यार प्यार होता है, लेकिन जब सिर्फ कमिटमेंट बचता है और पैशन और इंटीमेसी दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तो इसे हम एम्प्टी लव कहते हैं, रिक्त प्यार कहते हैं। फोर्थ है रोमांटिक लव, रोमांटिक प्यार। ऐसा प्यार ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में देखा जाता है जहाँ पर इंटीमेसी होती है यानी घनिष्ठता होती है, इसके साथ साथ भावावेश या जिसे हम पैशन कहते हैं वो भी होता है, लेकिन वहाँ पर वचनबद्धता नहीं होती है, वहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं होता है, सिर्फ इंटीमेसी होती है और पैशन होता है, जिसकी वजह से जो उनका रिलेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। इस तरह के प्यार में इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। अगला टाइप है अनर्गल प्यार, या जिसे हम कहते हैं फैटुअस लव। आप लोग समझ रहे होंगे अनर्गल का मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो, कोई सोच समझकर कार्य ना किया गया हो, बस पैशन में आकर वो कार्य कर लिया गया और अब क्या है, अब उस रिलेशनशिप में केवल पैशन बचा है, कमिटमेंट बचा है, उनके अंदर घनिष्ठता नहीं बची है, उनके अंदर जो एक इंटीमेसी वाली फीलिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके के प्यार को अनर्गल प्यार बताया है स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है सहपाठी प्यार या कंपेनिनेट लव। इस प्यार में क्या होता है, इसमें घनिष्ठता हो तो होती है, मतलब इंटीमेसी होगी, इसके साथ साथ कमिटमेंट भी होगा, लेकिन रिलेशन के आगे बढ़ते बढ़ते उसमें से जो पैशन होता है, जो एक भावावेश होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर जो मैरिज लाइफ होते हैं उनमें ऐसा ही प्यार देखने को मिलता है कि वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड है, एक दूसरे के प्रति इंटीमेसी है उनके अंदर, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से साथ में रह रहे हैं तो घनिष्ठता हो जाती है, लेकिन जो उनके अंदर का एक जोश होता है, जो एक रिलेशनशिप के अंदर जो पैशन होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में समाप्त हो जाता है। और लास्ट में आते हैं हम आदर्श प्यार पे, या जिसे हम कहते हैं आइडियल लव। यह प्यार का एक पूर्ण रूप होता है जिसमें जो तीनों एलिमेंट हैं वो एक साथ एक बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे लव में इंटीमेसी भी होती है यानी उनमें घनिष्ठता होती है, इसके साथ साथ उनमें पैशन भी होता है, उनमें जोश बना रहता है, उनमें भावावेश बना रहता है, और वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड भी होते हैं, कमिटमेंट भी होता है, और ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं और लंबे समय के लिए होती हैं। तो अगर आप किसी रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक बार अपने रिलेशन को एनालाइज करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए क्या हमारे रिलेशन में जिसे हम प्यार कह रहे हैं उसमें ये तीनों चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी रिलेशन में सिर्फ इंटीमेसी है, सिर्फ एक दूसरे के से घनिष्ठता है और उसी को आप प्यार समझ बैठे हो, या आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि हाँ हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, एक बार उसको एनालाइज करें कि क्या हम एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध हैं, क्या हमारे रिलेशन में लंबे समय तक एक पैशन मौजूद रहेगा, हम एक दूसरे से उसी गर्मजोशी के साथ, उसी भावावेश के साथ आगे भी रिलेशन बना पाएंगे, क्या हम एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता को बनाए रख पाएंगे, और क्या प्रेजेंट टाइम में हमारे बीच में घनिष्ठता है, हम एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपके रिलेशन में हैं तब आप कह सकते हैं कि आपका जो लव है वो एक आइडियल लव है। वैसे तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होना थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश यही करनी चाहिए। धन्यवाद।